अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देर रात भावनपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश रणदीप उर्फ संदीप के पैर में गोली लगी और दो अन्य बदमाश लोकेश और इरफान गिरफ्तार हुए हैं। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। यह सभी गंभीर किस्म के अपराधी हैं। रणदीप पर 20 से ज्यादा चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह इरफान के ऊपर भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में भावनपुर थाना में गंगा वाटिका में हुई लूट में भी ये सभी वांछित चल रहे थे। एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार ने इस सिलसिले में यह जानकारी दी। आज थाना भावनपुर पुलिस को एक सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। तत्काल भावनपुर पुलिस सक्रिय हुई और बताए हुए मौके पर पहुंची तो वहां पर अपराधी जो थे वो पुलिस को देख करके फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, रणदीप, जो कि सरधना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा दो अन्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इरफान और लोकेश। घायल रणदीप को तुरंत जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। इसके अलावा फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गई है, जो अपनी कार्रवाई कर रही है। इरफान और रणदीप दोनों ही कुख्यात अपराधी हैं। रणदीप पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं और इरफान पर 7 मुकदमे हैं। तो इस तरह एक बड़े चोरी के गैंग का खुलासा हुआ है। यह भी संज्ञान में आया है कि अभी हाल में ही भावनपुर में गंगा वाटिका में जो एक चोरी की घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी, उसमें इनका हाथ था। तो एक मेरठ पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।